वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के एटेसिक्स में। और आज हम बात करेंगे बिहार के एक अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ, ये अपकमिंग वैकेंसी है टीचर के यानी कि शिक्षकों की भर्ती को लेकर। हम बात करेंगे करीब 1200 शिक्षकों की। जी हाँ, ये नियुक्ति निकाले जाने वाली है और ये पॉलिटेक्निक और कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजों की नियुक्तियां हैं। इन नियुक्तियों में कब वैकेंसी आएगी और आखिर कितने ऐसे कॉलेज हैं जहां पे ये नियुक्तियां निकाले जाने वाली हैं और क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इसके बारे में भी आपको जरूर बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए चलते हैं इस ऑफिशियल अपडेट की तरफ। और जो भी मेरे भाई बंधु यहां पे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पे जाएं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली हुई है, वो भी बेल्ट्रॉन के माध्यम से। तो जो भी मेरे भाई बंधु चाहते हैं कि उसकी क्लासेस दी जाए यहां पे कंप्यूटर की और उसके रिगार्डिंग जो भी टाइपिंग की बारे में जो चीजें हैं उनके बारे में अवगत होना चाहते हैं तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। आप लोगों के कमेंट आएंगे और लाइक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो पे लाइक आपका प्रेजेंट बता सकता है कि आप लोग कितने लोग चाहते हैं यहां पे स्टेनो की इस क्लास को, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है इसका सब्जेक्ट, और दूसरा चीज टाइपिंग के बारे में सारा डिटेल। तो ये अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको उसके बारे में सारी डिटेल दी जाएगी और उसके बारे में सारा चीज़ बताया भी जाएगा अगर ज़्यादा कमेंट आए या फिर उनके बारे में बातें हुई तो। ठीक है, खैर हम बात करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से इस भर्ती के बारे में जो कि कुछ कॉलेजेस में यहाँ पे बताई जा रही हैं कि इनकी वैकेंसीज बहुत ही जल्द आ सकती है। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि 38 ऐसे सरकारी, दोस्तों हम आ चुके हैं उस अपडेट पे जहाँ पे आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज की नियुक्ति के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं आज के प्रभात खबर में इसकी अपडेट दी गई है। करीब 1200 शिक्षकों की ये नियुक्ति है, करीब 38 ऐसे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। देखिए यहाँ पे बात हो रही गवर्नमेंट की, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में, जिनमें कि 38 ऐसे आपके इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और 44 ऐसे आपके वो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं जहाँ पे इन 1200 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। ये साफ साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों कि इस नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बाकायदा बिहार लोक सेवा आयोग को विज्ञान एवं तकनीकी विभाग ने रिक्तियाँ भेजी हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 1200 जो शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है ये आपके BPSC के माध्यम से हो सकती है या तो BTSC के माध्यम से भी हो सकती है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन या फिर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। क्योंकि ये जो टेक्निकल डिपार्टमेंट यानी कि जो तकनीकी विज्ञान से विभाग है यहाँ का बिहार का, उन्होंने ये रिक्तियों की जो लिस्ट है वो BPSC को फिलहाल अभी भेजी गई है। ठीक है, और जल्द ही इसका आवेदन जो है कि तिथि जो है इसकी घोषणा कर दी जाएगी। प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों और इंजीनियरिंग कॉलेजों में पूरी तरह नियमित शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, नियमित शिक्षक कहने का तात्पर्य क्या है कि ये परमानेंट जॉब वाले कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे। BPSC जब भी एग्जाम लेती है ऐसे शिक्षकों की या असिस्टेंट प्रोफेसरों की, तो ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इनकी जो नियुक्ति होती है वो परमानेंट ही होती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा भी कि नियमित शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी, किसी भी तरह की संविदा पर नियुक्ति नहीं ली जाएगी। साफ साफ शब्दों में यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब नहीं होगी। और इस तरह से अब देखिए मैं आपको एक चीज यहाँ पे डेट थोड़ा मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो नियुक्ति है 1200 शिक्षकों की ये पिछले मंथ ही आने वाली थी, लेकिन कुछ विलंबता के चलते यहाँ पे इसको अभी डिले किया गया। अभी डेट इसका फाइनल नहीं किया जा रहा है, बस इसके बारे में न्यूज़ अपडेट किए जा रहे हैं। ठीक है, और यही शिक्षकों की नियुक्ति अगले महीने मार्च में आ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मार्च में इसकी नियुक्ति हो सकती है दोस्तों। ठीक है, ये एक अपडेट है ऑफिशियल जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में सारा डिटेल तभी मैं दूंगा जब ये ऑफिशियली इसके वेबसाइट पर यानी कि BPSC के माध्यम से इसको पब्लिश की जाएगी। ओके, इसी तरह प्राचार्य, देखिए यहाँ पे प्रोफेसर्स की भी बात की जाए दोस्तों, तो इसी तरह प्राचार्य पदों पर भी नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। अगर आप लोगों को BPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक करना होगा तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भी नियुक्ति ली जा रही है और जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं या फिर प्रिंसिपल की नियुक्तियाँ होती हैं सीधे डायरेक्ट प्राचार्यों की, उनकी भी नियुक्तियाँ ली जा रही हैं फिलहाल। और वर्तमान में दोनों तरफ की संस्थानों के प्रभारी प्राचार्य नियुक्त हैं। तो यहाँ पे अभी फिलहाल तो दोनों तरह के संस्थानों में यानी कि इंजीनियरिंग और हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक्स की, तो ये दोस्तों बता दें कि इन दोनों ही तरह के प्रभारी प्राचार्य है ना वो अभी नियुक्त हैं फिलहाल। इस मामले में सीधे नीतीश कुमार का कहना है कि विभाग को निर्देश दे रखे हैं कि पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में बेहतर गुणवत्ता के लिए उच्च कोटि के शिक्षक नियुक्ति
की जाएंगे। यानी कि जाहिर सी बात है, अगर उच्च कोटि की नियुक्ति की बात हो रही है तो यहाँ पे जो आपका, अब देखिएगा सुन लीजिएगा, एलिजिबिलिटी यहाँ पे बात की जा रही है। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आपको मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, वो भी एमटेक या एमई की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने एमसीए कर रखा है या फिर एमएससी कर रखा है या फिर आपने कोई भी मास्टर डिग्री कर रखा है, उससे रिलेटेड अगर कोई सब्जेक्ट की नियुक्तियाँ निकलती हैं तो आपको यहाँ पे आवेदन करने के लिए आमंत्रण किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे उच्च कोटि शिक्षक की मांग हो रही है और यहाँ पे जब तक आपके पास, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि बीटेक करके एक्सपीरियंस में होंगे, ठीक है, तो वो कैंडिडेट को भी अवसर दिया जाएगा जो एक्सपीरियंस है बीटेक करने के बाद या फिर बीई करने के बाद। ओके, अब रही बात कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेजेस की, तो वहाँ पे इंजीनियर्स की ही नियुक्ति की जाएगी जो कि पॉलिटेक्निक यानी कि डिप्लोमा वाले छात्रों को पढ़ा सकते हैं, ना कि वहाँ पे डिप्लोमा वाले छात्र को वहाँ पे आवेदन करने के लिए आमंत्रण किया जाएगा, नहीं। तो ये पॉलिटेक्निक कॉलेज में इंजीनियर्स की बहाली हो सकती है और इंजीनियरिंग कॉलेज में मास्टर्स करने वाले उन सभी छात्रों की अलग अलग डिसिप्लिन में रहे विद्यमान, उनके लिए यहाँ पे उनके लिए नियुक्ति निकाली जा सकती है। तो ये एक अपडेट था इन 1200 शिक्षकों के लिए, ठीक है, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधा निर्देश दिया था आज से 2 साल पहले भी कि इनकी नियुक्तियाँ जो हैं वो बीपीएससी के माध्यम से होगी और हो भी रही है। आप लोग जाके अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे बीपीएससी के देखेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर की लगातार नियुक्तियाँ हो रही हैं और लगातार नियुक्तियों के बारे में बहाली भी प्रक्रियाएँ भी निकाली जा रही हैं, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ जो सीट होती हैं वो कम होती है, लेकिन इस बार इन 1200 शिक्षकों की बात की गई है 2020 के इस रिक्रूटमेंट में, तो ये बहुत जल्द आने वाला है। अब देखिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो क्या होगा। यहाँ पे बेहतर गुणवत्ता के लिए उच्च कोटि के शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इसके आरक्षण में रोस्टर की विविधता पालन किया जाएगा, यानी कि आपका तो एग्ज़ाम होने के बाद उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, ये जो रोस्टर की बात की जा रही है तो ये रोस्टर तभी तैयार होते हैं जब आपके आरक्षण रोस्टर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये तभी तैयार होते हैं जब आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होने के बाद, सारी प्रक्रियाएं होने के बाद आपका जो जो कैंडिडेट आरक्षण से यानी कि एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस है ना, इन सभी प्रक्रियाओं के लिए उनका आरक्षण कोटिवार इनका पूरा वो तैयार किया, रिजल्ट तैयार किया जाता है, ठीक है। और ये रिजल्ट जो है आपको उसी का पालन किया जाएगा जो कि बीपीएससी के माध्यम से दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, अब यहाँ पे देखिए एआईसीटीसी की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों, कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने शिक्षकों एवं प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए गाइडलाइन भी जारी की है, उसे बिहार ने पूरी तरह लागू करने का निर्णय भी ले लिया है। तो ये अपडेट था दोस्तों यहाँ पे इन 1200 शिक्षकों के लिए, जो कि सारी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, बस इसका नोटिफिकेशन आना बाकी है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से सारा डिटेल बताऊंगा और आपको आवेदन यहाँ पे आमंत्रण करने के लिए जो भी प्रक्रियाएं होंगी वो आपको बताए जाएंगे। ये तो हो गया एक अपडेट। अब चलते हैं कुछ महिलाओं की बात करते हैं। यहाँ महिला संस्थानों में प्राचार्य पद पर महिला की नियुक्ति का नियम नहीं आया है कुछ अभी, ठीक है। पटना में अगर हम बात करें दोस्तों, पटना और मुजफ्फरपुर महिला पॉलिटेक्निक में महिला प्राचार्य की नियुक्ति अभी तक नहीं कराई जा सकी है। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण मैं आपको यहाँ पे एक खबर के जरिए ही बताऊँगा कि इस संदर्भ में शिकायतों के संबंध में विज्ञान एवं तकनीकी विभाग ने, जो कि बीटीएससी है, उन्होंने तकनीकी प्रकोष्ठ के उपनिदेशक रामाशंकर ने बताया है कि इस संबंध में कोई नियम या कानून नहीं है कि महिलाओं के लिए अलग कुछ प्रावधान रखे जाएंगे। उनका भी नियुक्ति इसी के अधीन होगा, यानी कि इसी प्रक्रिया के अधीन होगा और महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में महिला प्राचार्य होना जरूरी है, ऐसी कोई परंपरा भी नहीं बनाई गई है। इस लाइन को साफ साफ कह दिया गया है, यानी कि महिला कॉलेजेस में भी, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में भी यहाँ पे जो नियुक्ति होगी वो मेल मेंबर की यानी कि पुरुषों की हो सकती है एज ए प्राचार्य, ठीक है, कोई भी ऐसी परंपरा नहीं है फिलहाल अभी। तो शिक्षक और प्राचार्य की नियुक्ति ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की नॉर्म्स पर रखी गई है और इस मामले को उठाया जा रहा है कि इसमें महिलाओं के लिए अलग नियुक्ति निकाली जाए, ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है और ना ही इसकी नियुक्ति पर कोई बात की गई है। तो ये खबर थी दोस्तों आज के इस प्रभात खबर में, जहां पर हम बात किए हैं करीब 82 ऐसे इंस्टीट्यूट की, जहां पे 38 सरकारी इंजीनियरिंग और 44 पॉलिटेक्निक कॉलेजों की में निकली हुई है 1200 पदों की वैकेंसी, ठीक है। अब इन 1200 पदों की शिक्षकों की नियुक्ति के लिए
तो यहाँ से जितने भी अपडेट आने वाले हैं उन अपडेट्स में मैं आपको अप टू डेट कर रहूँगा अपने ही चैनल के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, और हाँ एजुकेशन की अटेस्टिक्स पे कमेंट जरूर करेंगे कि आप लोग को स्टेनोग्राफर का नियुक्ति के लिए, टाइपिंग के लिए और कंप्यूटर की क्लास के लिए क्लासेस चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो इसकी क्लासेस जल्दी शुरू की जाएंगी, और टेलीग्राम इसका ज्वाइन कर लीजिएगा इसके सभी पीडीएफ्स के लिए। ओके चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।